नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नया रेसिपी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी स्वाद है आयरन और प्रोटीन से भरपूर मात्रा में हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी। आप भी इसे जरूर ट्राई करें। इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पालक को इस तरह से डंठल समेत धो लिया है। आप चाहे तो डंठल को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डंठल में भी काफ़ी मात्रा में आयरन और प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। पालक को अच्छी तरह धोए क्योंकि पालक में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है। नाश्ते के टेस्ट और फ्लेवर को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया थोड़ा सा हरे धनिया। हरे धनिया को भी हमने 3 से 4 बार अच्छे से धो लिया क्योंकि हरे धनिया में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है। 1 इंच अदरक के टुकड़े ले लिए। अदरक को हमने 2 टुकड़ों में इसलिए कर लिया ताकि मिक्सर जार में पीसने में आसानी हो। 1 मीडियम आकर के प्याज को इस तरह चॉप करके ले लिया है। आप चाहे तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको प्याज का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता तो। 1 हरी मिर्ची ले लिया है जिसे हमने 2 टुकड़े करके ले लिया है। साथ में यहाँ पे 1 गांठ लहसुन या 10 से बड़ा लहसुन के कलिया को ले लिया है। इससे नाश्ते का टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। नाश्ते के टेस्ट और फ्लेवर को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पर ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा। अब इन सारे सामग्री को मिक्सर जार में बिना पानी डाले इसका तैयार कर लेनी है क्योंकि पालक में ऑलरेडी मॉइस्चर होती है। हमारा मिश्रण यहाँ पे पीसकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना फाइन पेस्ट बनकर रेडी हुई है। इसी तरह के आपको पेस्ट बना लेनी है और इसमें हमने जरा से भी पानी ऐड नहीं किया है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन। इससे नाश्ते का जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। 1 कटोरी यहाँ पे हम ले रहे हैं गेहूं का आटा जिसे हम नॉर्मली रोटियां बनाते हैं। इससे हमारा नाश्ता हेल्दी रहेगी। स्वाद अनुसार नमक। इसमें मैं हल्दी पाउडर का इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि पालक का जो कलर है ना ये अपने आप में एक ग्रीन कलर होती है तो इसका ऑर्गेनिक कलर बहुत ही अच्छा लगता है, पर आप चाहे तो डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमने जिस टाइम पालक को पीसा था उस टाइम भी हमने हरी मिर्ची का इस्तेमाल किया है। नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 1/2 चम्मच चाट मसाला। आप चाहे तो अमचूर पाउडर या फिर 1 नींबू का रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते को और भी ज्यादा टेस्टी और मजेदार फ्लेवर के साथ बनाने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करें 1/2 चम्मच गर्म मसाला पाउडर। इस नाश्ते को बनाने के लिए हम बहुत ही कम मसाले का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो इसमें और भी मसाला ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं इस नाश्ते को बनाने के लिए इतना सही मसाला का इस्तेमाल करूंगी। 1 छोटी चम्मच ऑयल। आप ऑयल की जगह पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारा जो नाश्ता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेगी। अब सारे सामग्री को हाथों के सहायता से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर इसमें और भी आटे की आवश्यकता पड़े तो फिर आप इसमें थोड़ी मात्रा में ऐड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे अगर आप पहली बार हाथों से इस तरह से मिक्स कर रहे हैं मिश्रण को तो आप हाथों में ग्लव्स पहन लें। मिश्रण को मिक्स करने के बाद में हाथों हाथ जो है हाथ को धो लें क्योंकि हमने इसमें रेड चिली और ग्रीन चिली का इस्तेमाल किया है। आपके हाथों में इसकी वजह से जलन हो सकती है। तो जी आप देख सकते हैं हमारा मिश्रण जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मिश्रण को कुछ इस तरह से बना लेनी है, ना तो ये बहुत ज्यादा पतला है और ना ही ये बहुत ज्यादा गाढ़ा है। अब हमने गैस पर रख दिया है। इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। आप घी की जगह पे ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप पिघला हुआ घी लेते हैं तो फिर आप 2 चम्मच घी का इस्तेमाल करें क्योंकि ये पिघला हुआ नहीं है ना इस वजह से 1 चम्मच है। तो जी आप देख सकते हैं ताव पर हमने अच्छे से घी को फैला दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा तिल ऐड करेंगे, यानी तिल इस तरह से फैला देना है ताकि नाश्ते में चारों तरफ से अच्छे से आ जाए। और तिल डालने से नाश्ते का जो स्वाद है बहुत ही अच्छा आता है क्योंकि हल्का सा क्रंचीनेस आता है, साथ में इसे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। आपके पास अगर तिल ना हो तो फिर आप तिल की जगह पे जीरा या फिर राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पर मिश्रण ले लेंगे। अगर आप नाश्ते को छोटे साइज में बनाना चाहते हैं तो फिर 1 चम्मच मिश्रण में भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। मिश्रण को हल्का सा इस तरफ फैला देना है ताकि इसका जो डिजाइन है थोड़ा सा बड़ा हो जाए। इसे हम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं फैलाएंगे, देख सकते हैं बस इतना ही फैलाएंगे। देखिए चमचे की गोल घुमाने से कितना अच्छे से डिजाइन बनकर तैयार हो चुकी है। हम नाश्ते के ऊपर से भी थोड़ा सा तिल ऐड कर देंगे। इससे नाश्ते को हम जब दूसरी तरफ से पलटेंगे ना तो नाश्ते में भी इस तरह का तिल का क्रंचीनेस और व्हाइटनेस आएगा जो कि देखने में भी अच्छा लगता है, साथ ही खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। मैं नाश्ते को डाले हुए लगभग धीमे गैस पर 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं नाश्ते का जो कलर है ऊपर की तरफ से आपको दिखने में लग रहा होगा हल्का सा चेंज हो चुकी है। तो इसी टाइम जो है हमें नाश्ते को एक बार पलट देना है। देख सकते हैं हमारा नाश्ता जो है धीमे गैस पर 2 से 2.5 मिनट में एक साइड अच्छे से फ्राई हो जाती है। आप चाहे तो इसमें और ऑयल या फिर घी ऐड कर सकते हैं ऊपर से, यानी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें और ज्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करूंगी। हमने नाश्ते को धीमे गैस पर अलट पलट कर 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं नाश्ते के दोनों तरफ जो है बहुत ही अच्छी तरह से आपको लग रहा है नाश्ते हमारा अच्छे से तैयार हो चुके हैं। और इस तरह के आप नाश्ता बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी भी होती है क्योंकि हमने इसमें पालक ऐड किया है और पालक में आप सभी को पता है आयरन की मात्रा काफी मात्रा में होती है। तो इस तरह के आप भी एक बार जरूर ट्राई करें और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।